नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैंगो फार्मिंग से रिलेटेड और हम बात करेंगे आम में लगने वाले रोग मैंगो मालफॉर्मेशन के बारे में। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आम के पौधों में लगने वाला रोग मालफॉर्मेशन, जिसे गुच्छा रोग भी कहा जाता है, नई पत्तियों और फूलों की असामान्य रूप से वृद्धि, टहनियों पर एक ही जगह पर बहुत ही सारी छोटी छोटी पत्तियों का निकल आना, फूलों का असामान्य आकार का होना, गिर जाना, फलों के निर्माण में बाधा आना, यह सारे लक्षण इस मालफॉर्मेशन रोग के लक्षण है। इस रोग में पेड़ों की शाखाओं और फूलों की बनावट खराब हो जाती है। नई निकलने वाली शाखाओं और फूल गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं। कभी कभार इन गुच्छों से अच्छी पत्तियां निकल भी आती है। ध्यान रखिए कि इन गुच्छों में फल नहीं आते। ऐसा पाया गया है कि यह रोग आम की भारतीय प्रजातियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। यह रोग खासकर नर्सरी टाइम में छोटे पौधों पर ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन बड़े पेड़ों के ऊपर भी यह रोग देखने को मिल जाता है। आम के इस गुच्छा रोग के दो प्रकार होते हैं, एक आम की पत्तियों का गुच्छा और दूसरा आम के फूलों का गुच्छा। आम की पत्तियों के गुच्छों में ब्रांच पे जहां पर एक दो पत्तियां निकलनी होती है, वहां पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकलकर गुच्छा बनाती है। और फूलों के गुच्छों की बात करें तो पेड़ों के ऊपर फूलों का बड़ा गुच्छा बन जाता है, जो दूर से देखने पर बॉल जैसा दिखाई देता है। इन गुच्छों में फल नहीं बन पाते। फल बन भी जाते हैं तो बहुत जल्द सूख कर नीचे गिर जाते हैं। अब इस मालफॉर्मेशन रोग के रोकथाम की बात करें तो सबसे कारगर उपाय यह है कि इन सारे गुच्छों को तोड़कर जला दें या फिर जमीन में दबा दें। इस उपाय से गुच्छा रोग को आगे फैलने से भी रोका जा सकता है। इस रोग का कारण फंगस को माना जाता है, लेकिन अनेक विशेषज्ञों का मानना है कि पौधों में होने वाला हार्मोनों का असंतुलन इन रोगों के लिए जिम्मेदार है। और कई और विशेषज्ञों बताते हैं कि पोषक तत्वों की कमी भी इस रोग के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो ध्यान रखिए, पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में ही प्रयोग करें। उपचार के लिए खासकर अक्टूबर और जनवरी के महीने में NAA 200 ppm की 900 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों के ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे इस गुच्छा रोग को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और साथ साथ उपज भी बढ़ाई जा सकती है। यही थी आम में लगने वाले मालफॉर्मेशन रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइए। जय किसान, जय हिंद।